अस्सलामुअलैकुम अम्मा जान, क्या पका रही हैं आज? जबरदस्त। सो टुडे ऐसे लगता है आपने कीमा रखा हुआ है इसमें। मैं ना आज कीमे के कबाब बना रही हूँ और मैं इसमें ना मैं आपको बताऊँ क्या है, कुछ है या कुछ चाहिए बता दे। अगर आपने मैं किलो के हिसाब से बताती हूँ, अगर एक किलो कीमे तो उसमें ना आप एक प्याज बड़े वाला ले लें, तो उसको पहले ना चॉपर में चॉप कर लें। इसमें मैंने अब चॉप किए। अच्छा, और ये निकाल कर इसको मैं ड्रेन कर रही हूँ, इसका पानी नीचे निकल रहा है। तो ये प्याज जो है ना फिर मैं इसमें डाल दूंगी। और उसके बाद ये मैंने प्याज इसलिए मेरा ज्यादा है क्योंकि मेरा ये तकरीबन 4-5 पाउंड कीमा है, लेकिन मैं आपको 2 पाउंड का बता रही हूँ। तो उसमें ना फिर आप इसकी 2 गुच्छियां ले लें प्याज ग्रीन ऑनियन की। फिर ये पार्सले ले लें, ये पार्सले का भी एक वो ले लें। और फिर उसके बाद धनिया, कोरिएंडर जिसको कहते हैं, वो ग्रीन धनिया ले लें। तो इनको जो है ना फिर आप चॉप करके ना इनका पानी नहीं ना निकालें बेशक, क्योंकि इसमें इतना पानी नहीं होता। लेकिन वो जो दूसरा प्याज है ना वाइट वाला, उसमें या दूसरा वो, तो फिर मैं इन सब चीज़ों को ना इसमें मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं अपने हस्ब जायका, अगर आप जो चीज़ चाहते हो, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप ना डालें, तो बास को जीरे से एलर्जी है या कोई भी स्पाइसी से एलर्जी है तो वो आप ना डालें। तो इसमें बेसिक चीज़ जो होती है वो हम लोग देसी लोग हैं सुर्ख मिर्च यूज़ करते हैं, फिर ग्रीन मिर्च जो है ना वो इस्तेमाल कर लें, नमक डाल लें अपने हस्ब जायका जो आपको पसंद हो। फिर उसके अलावा खुश्क धनिया, ये एसेंस आ जाता है, खुशबू आ जाती है, वो डाल लें। और उसके अलावा मैं थोड़ा सा मीठा सोडा भी डालती हूँ। तो मीठे सोडे से ये होता है कि वो कबाब जुड़ भी जाते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि आप जैसे वो कहती थी कि लोग वो डालते हैं आटा डालते हैं, तो वो फिर आटे की वजह से ना आप नहीं खाती थी, बाहर से कबाब वगैरह नहीं लेती थी। तो फिर मैं इसकी जगह ना फिर अंडे दो जो है ना दो पाउंड अगर कीमा हो तो 2 अंडे आप डाल दें। तो फिर आप अच्छी तरह उसको मिक्स करके ना तकरीबन 2 घंटे के लिए आप रख दें। उसके बाद फिर आप जो है ना उसको तलना शुरू करें। तो जब मैं तलूंगी तो फिर आपको बता दूंगी कि ये कीमा से कबाब बना रहे हैं, चप्पल कबाब की तरह। फिर हम तस्वीर वगैरह दिखा देंगे। इसको ऐसे काट के ना तो इसको मैं ना फिर चॉपर में चॉप कर लूंगी तो ये बारीक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ना इसको मैं कीमे में डाल दूंगी। ओके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ऑसम। ये चप्पल कबाब की तरह बन जाते हैं, लेकिन आपने अब जितना मर्जी स्पाइसी करना है नहीं करना, ये आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि हमारे बच्चे को ज्यादा नहीं खाते मिर्च वगैरह, तो फिर लाइट ज़रा डालनी पड़ती है। तो अगर इसके अलावा किसी को एलर्जी है किसी चीज़ से तो प्लीज़ आप जो है ना वो करें, परहेज़ कर लें उस चीज़ से। तो दूसरा ये मैंने आपको बताना था कि ये जो जैसे मुर्गियों का बताते हैं कि इनको गजाएं देते हैं आर्टिफिशियल किस्म की, तो वो महीने के अंदर मुर्गी तैयार हो जाती है। तो इसी तरह आप सुना है कि बकरों को भी ये गजाएं देते हैं, तो बकरे भी जो है ना वो फिर यही बीमारियां हमारे अंदर जाती हैं, वो गजा की बीमारी जो हम खाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अगर घास का चरा हुआ बकरा हो, जैसे देसी बकरे होते हैं, पहाड़ी बकरे होते हैं, तो बेशक उनका टेस्ट हो या ना हो, लेकिन ये आपने देखना है कि चलो खुराक उन बकरों की अच्छी होगी तो फिर हमारी खुराक भी अच्छी होगी। जबरदस्त। असल मकसद ये था बताना कि हम लोग जो कीमा या गोश्त लेते हैं, हम तो खैर यहाँ से इसको कह देते हैं उस बंदे से, तो वो फिर वो कहता है जी ग्रास फेड, अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि अपनी सबसे बड़ी बात है बेटे, जब भी आप खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह करके खाएं, अगर उसमें कोई चीज़ शामिल भी है तो वो हमारे जिस्म के अंदर ना जाए और हमारी जो बीमारियाँ हैं वो हमें ना लगें। बीमारियाँ लगती भी इसीलिए हैं कि अब आजकल सब इसी तरह बस बैठते हैं खाने की मेज़ पर और बातें शुरू करते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके बच्चों को भी कहें खुद भी, तो आप खाना जब शुरू करें तो बिस्मिल्लाह का इन चीज़ों का हम आहिस्ता से भूल रहे हैं। तो बस कोशिश करें कि बिस्मिल्लाह करके खाना खाएं, और जब खाना खा चुके हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तो खाना दिया, और अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर वो खाना हमारे अंदर हज़म भी नहीं होता और वो हमें फिर फ़ायदा भी नहीं देता। सो ये आप अब सारा इसमें, ये मैं अब इकट्ठा कर रही हूँ ना, तो इसी सब मैं चॉप कर लूँगी, फिर जबरदस्त। सो वी गोना चॉप दिस ऑल अप इधर इसमें, एंड रिमेंबर दिस इज ग्रास फेड बीफ एंड देन ग्रास फेड गोट लैम। सो इधर कुछ होता है ना, फिर मैंने अब देखा कि मैं थोड़ा सा लैम भी इसमें डाल देती हूँ, लैम की वो चर्बी भी होती है और नरम भी होता है।
पर वो ब्रेड क्रम्स की दान डालने की जरूरत नहीं पड़ती. प्लस यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. अब नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट शी इज पुटिंग इन हियर आर पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स. ये जो सारी चीजें जो बीमारी को दूर करता है. वी हैव योर अनियंस एंड देन वी हैव गार्लिक एंड जिंजर. वो भी थोड़ा थोड़ा डाल लें अपने टेस्ट के मुताबिक. बाकी ये आपने अपना टेस्ट खुद बनाना है. ये चीजें जो आपको बतानी थी ये थी कि ये चीजें आप डाल लें, स्पाइसेस अपने खुद डाल लें. और हम फिर ऑर्गेनिक स्पाइसेस जो लेके आते हैं ना वो हम वी यूज दीज ग्लास जार्स. ये जो ग्लास जार्स है ना हम फिर ये इसमें ऑर्गेनिक स्पाइसेस डाल लेते हैं. And then फिर और जो अंडे डालते हैं ना वो भी specifically we use like the grass, the pasture raised organic eggs that go in here. And फिर इसकी वजह से ना वो फिर बहुत ज़्यादा मज़े का बन जाता है. And actually it's probably the most delicious kebab that I've ever had. And it's so super simple, packed with these phytonutrients. Again, something that your family can really appreciate. मैं भी कभी कभार क्या डाल देती हूँ is that मैं भी यू नो मामा ने भी किया हुआ था जब वेजिटेबल्स और बंदा डाल दे. राइट मामा, हमने वो कॉलीफ्लावर डाल दिया था, हमने डाल दिया था लाइक गाजरे हमने एक दफ़ा डाली है. फिर एक दफ़ा हमने वो एक्चुअली मैंने काफ़ी अर्सा मैंने वो मशरूम डालती रहती हूँ. सो ऐसे करके ना सो फिर सब्जी सो फिर गोश्त भी चल जाता है, सब्जियाँ भी चल जाती हैं और मज़ा भी बहुत आ जाता है. सो इट्स रियली डिलिशियस. सो इसमें भी वी आर गोना ऐड सम मोर वेजिटेबल्स, वी कैन ऐड ऑल दीज डिलिशियस न्यूट्रिएंट्स. एंड देन इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट अस नो, वी आर हियर फॉर यू गाइज. थैंक यू मामा जान, दैट वाज ऑसम. अल्लाह.